अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज जुमातुल मुबारक का दिन है व्यूअर्स। मुझे 15 दिन हो गए हैं घर बैठे बैठे, लेकिन मैंने 15 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही व्लॉग शूट किया है। मैं था इस वक्त ऊपर छत पर टी के पीछे, क्योंकि मैं नीचे वाईफाई चला रहा था और वाईफाई मेरी जो थी वो बंद हो गई। और मैं उस बंदे के पीछे आया हूँ कि वाईफाई तो ऑन कर दे यार। मेरा क्या कसूर है, इतनी गर्मी में मुझे ऊपर आना पड़ा वाईफाई के चक्करों में। व्यूअर्स, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो क्यों ना एक हदीस शरीफ हो जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग नमाज जुमा तक करने से बाज आ जाएं, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें पंज वक्त नमाज का आदि बनाए, पंज वक्त नमाज की हमें तौफीक दे। व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, बैटरी लो हो गई, मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर शयान को लेके आना है, तो फिर जुमा पढ़ते हैं, फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं। अभी तो मैं नीचे जा। अभी हम जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। A few moments later. फिर जुमा पढ़ के हम फ्री हो गए, अभी हम घर जा रहे हैं। बस चांस हो गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो फिर आपसे मिलते हैं हम शाम के टाइम पे, तो अभी नींद पूरी करते हैं। गाइस, नींदें हमारी पूरी हो गई हैं, लेकिन मुझे जो है ना अपना एक बचपन का साथी मिला है, इसने मेरे साथ जो है फिटिंग की हुई है। मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अपने उस कमीने दोस्त के साथ। ये है मेरा वो दोस्त। कैसे हो हमजा साहब? अल्लाह के साथ है। आप सुनाओ, बड़े अच्छे बाल मिले यार। ये मिलता ही नहीं है, मैं इसको काले करता हूँ। ये काल मैं इसके घर जाता हूँ, घंटा घंटा खड़ा रहता हूँ, ये बाहर नहीं निकलता। मेरी अकल ये मेरी कंडीशन बता रहा है फिलहाल, नहीं आता ये मेरे घर, कुछ नहीं आता। हमने जो है ना अभी समोसों का सीन बनाया है, समोसे लेके आए हैं,
हम तो आ रहे हैं लेकिन ये साहब हमें रास्ते में मिल गया लेकिन यार। मजा आ रहा है। पैसे तो ही देने ने। बैंक का माल है। अच्छा शान अभी आया चीज लेने के लिए। मैं तो लगता क्या लेना है, है? तो गाइस हम लोग जो है अभी घर आ गए। शायान जो है अपना वो स्कूल का काम कर रहा है। क्या हुआ कर लो दिखाओ मुझे क्या लिखा है। नाना शाम को आए। चलो सही है। नीचे वाला भी लिखो, ये भी लिखो, आए भी लिखो अभी। ये भी लिखना है। हाँ ये भी लिखो, आए लिखो। मामा से नहीं, ये नहीं लिखना, यहाँ तक है बस। ये वाला है आपका। कुछ दोस्त लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ अगर हम बैठे हैं तो हमें दिन का या रात का पता ही नहीं चलता कि कब हमारी रात जो है ना गुजर गई। उसी तरह ये भी मेरा एक करीबी दोस्त रहा है। जब भी इकट्ठे हुए हैं कुछ हमने वक्त अपना साथ में भी गुजारा है, टीचिंग में भी हम साथ थे, तो हम जब भी रात गपशप में बैठते तो हमारी रात यूँ ही तकरीबन 1 बज गया 2 बज गया रात हमारी यूँ ही गुजर जाती थी। तो हम जो थे तकरीबन कुछ 4-5 साल बाद दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस हमारी गपशप ही इतनी थी कि मैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।